हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। जय महाकाल। और बताइए क्या चल रहा है। समय हो रहा है 9:44। हम लोग जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो भैया नज़ारा कुछ ऐसा है कि पहले पीछे का हाल देख। तो भैया ऐसा कुछ मामला है चल रहा है इस टाइम। हमने हाईवे पकड़ लिया है दूसरा, और मौसम पक्का साथ दे रहा है, तगड़ा वाला। बारिश के पूरे आसार बन रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, लेकिन उसका एक बेनिफिट और है, गर्मी कम हो जा रही है। तो जितने भी टू व्हीलर्स पे मेरे भाई ट्रैवल कर रहे हैं उनको इजी हो जाता है, क्योंकि हम भी भैया टू व्हीलर में ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर, तो हमें पता है गर्मियों में क्या हाल होता है। ठीक है, सो ये है भैया गाज़ियाबाद का सेंटर पार्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारी सोसाइटियाँ बनती हुई दिखेंगी। तो आप लोग अगर गाज़ियाबाद में घर देख रहे हैं तो इस एरिया को, ये प्रताप विहार के पास पड़ता है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो कितनी सारी सोसाइटीज़ यहाँ बन रही है, सही मामला है इधर रहने का। और ट्रस्ट मी, ये गाज़ियाबाद के एक ऐसे लोकेशन पे है जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी डायरेक्ट पड़ता है, हर चीज़ सही पड़ती है यहाँ पर मतलब। और सोसाइटीज़ के मुझे लगता है ये जो सोसाइटी है इसके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, कम प्राइस में आपको अच्छी से घर मिल जाते हैं यहाँ पर। बिकॉज अभी ये बन रही है और काफ़ी जो बन गई हैं वो रेडी टू मूव इन है, तो देख सकते हो। चलो ये तो ज्ञान की बात है, अब मेन बात करते हैं। बातचीत ऐसी चल रही है कि जाना है ऑफिस, और जा ही रहे हैं ऑफिस। व्हाइट शर्ट पहन के आया, पूरा सफेदी की चमक देख रहे हो तुम लोग। ठीक है चलो, देखो सीन ये बन रहा है कि यार मुझे लेना है नया कैमरा, और मैं पिछले 3 दिन से ऑफिस से आके सिर्फ यूट्यूब पे यही देख रहा हूँ कि भाई इस कंपैरिजन, उस कंपैरिजन, ये कंपैरिजन, वो कंपैरिजन, बड़ा लसन जितने भी मतलब हो सकते हैं सब कर रहे हैं। लेकिन भैया बात ऐसी, आपको पता है आज के टाइम पे हर चीज़ लेने से पहले इंसान यूट्यूब पे एक्सप्लोर करता है और देखता है कि भैया वो मेरे लायक है या नहीं है, या मेरे बजट में फिट होती है नहीं होती। अब अगर बजट में फिट भी होती है तो कौन सी जो ऐसी चीज़ है जो मेरे मतलब सही बैठेगी। तो भैया काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सोच समझने के बाद दो कैमरे समझ में आए हैं, सोनी ZEV10 करके एक व्लॉगिंग कैमरा आता है, और एक आता है उसका कॉम्पिटिटर Nikon Z30। तो ये दो कैमरे हैं जो मेरे बजट में पड़ रहे हैं, यानी कि 60,000 की रेंज में पड़ रहे हैं। तो भैया इस रेंज पे यही आइटम है, और इन्हीं के बीच में थोड़ी जो है घमासान युद्ध हम लोग अभी फंसे हुए हैं कि भैया कौन सा ले, कैसा ले, कहाँ से करें, किस वाले में करें। तो बस उसी दुविधा में फंसे हैं और उसी दुविधा में लगे हुए हैं, तो पूरा मसला यही है। देखते हैं अब क्या होता है, कहाँ होता है, किस पे लेते हैं। तो यार बस मतलब जितना ही मामला चल रहा ना वो इसी कन्फ्यूजन में चल रहा है कि यार कौन सा कैमरा लें, बिकॉज अब एक व्लॉगिंग कैमरे की प्रॉपर जरूरत पड़ रही है यार। इन दी एंड देखो, एक फ़ोन फ़ोन होता है, कैमरा कैमरा होता है, और जो चीज़ स्पेसिफिकली जिस काम के लिए बनी है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो पहले तो प्लान ये था कि यार एक आईफोन ले लूँ, लेकिन मेरे पास अपना LG विंग है, बढ़िया चल रहा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, फ़ोन बढ़िया काम कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि मैं 1,19,000-20,000 रुपये एक iPhone 14 Pro पे लगाऊं और उसके बाद बोलूं क्या कहते हैं फ़ोन। और फिर नहीं यार, मतलब हमेशा से एक कैमरे का ड्रीम मेरे पास था कि एक पर्सनल कैमरा हो। ठीक है, वो अंदर का जो इलाही मेरा जिया है ये निकलता है बाहर, तो उस केस के मामले में अपने को एक चाहिए था मामला। अब देखते हैं यार क्या होता है, कैसे होता है, क्या सीन चल रहा है। फिलहाल पूरा मसला मामला ये है कि ज़्यादातर केस में Nikon Z30 या Sony ZEV10 लूँगा। इन दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग सोनी पुराना कैमरा है, 2 साल हो गए, निकॉन पिछले 8 महीने पहले लॉन्च हुआ है। एंड आई थिंक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पैसे लगाने का फ़ायदा है इंस्टेंट की उस टेक्नोलॉजी पे जो कि मार्केट में पुरानी है। तो होपफुली इस संडे को या इस वीक में Z30 अपने आप को एक तोहफा दे दूंगा, और फाइनेंस भी लेंगे, मिडिल क्लास लोग हैं अभी, हम कहाँ पूरा पैसा दे पाएंगे। लेकिन एक कैमरा लेके थोड़ी व्लॉगिंग एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करूँगा। हालांकि ये देखो फ्रंट कैमरा इसका भी बहुत अच्छा है, 4K में भी शूट कर लेता है, एंड इट्स नाइस, ये फ़ोन बहुत अच्छा है, मेरी सारी नीड्स पूरी कर देता है। तो आई थिंक एक कैमरा मुझे होना चाहिए, वो ज़रूर मैं लेने। तो भैया ये है सामने के नज़ारे, और आप देख सकते हो ये कैमरे का कितना प्यारा मतलब रिकॉर्ड करता है। ये कैमरा इतना परफेक्ट है ना, बिकॉज ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है जो LG विंग ने बनाया हुआ है। सो ट्रैफिक एज यूजुअल, फ्राइडे के दिन भी भर भर के है, और हम लोग तो R5 में जा रहा बंदा है यार, ये मेरी फेवरेट बाइक है क्योंकि मेरे पास है ना ये वाली, इसलिए ठीक है। सो देखते हैं यार, जल्दी कैमरा लेके अनबॉक्सिंग डालूंगा आप लोगों के लिए, और ट्रस्ट मी मेरे अकॉर्डिंग आप लोग बताना कमेंट्स में। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते हैं, बट धीरे धीरे यूट्यूब में जो है वीडियोज़ को सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, 500 से 200 व्यूज़ तक बात पहुँच रही है। एंड आई नो थोड़ी स्लो जर्नी है, धीरे धीरे आगे हो जाएगा काम। सो अगर आप लोग कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए, Z30 या ZV-E10। आपके सजेशन बहुत वैल्यू होंगे और किसी के हार्ड एंड मनी सही जगह लग जाएगा। तो भैया ये है पूरे नज़ारे, ये देखो देखो ऑटो वाले को रुकना चाहिए 2 मिनट। ठीक है यार, ऐसे ही करते घुसा जड़ देंगे बीच में, यानी ये नहीं कि भैया बंदा आ रहा है उसे निकल ले दूँ, ये तो खैर रोज़ के मसले। तो मैं जल्दी ना अनबॉक्सिंग वीडियो डालने वाला हूँ, और भाई अगर आप लोग किसी कोई मेरी तरह एल्विश यादव के फ़ैन हो तो भाई अभी जयपुर आए थे और चक्का जाम कर दिया है पूरा का पूरा। मतलब मैंने वीडियो देखी थी वो इंस्टाग्राम पे, भाई साहब क्या जाम लगाया भाई ने, मतलब भीड़ तो अलग, स्टार आ गया कोई
ऐसा लग रहा था सुपरस्टार। वैसे तो है ही वो, यूट्यूब के स्टार है ही भाई अपने, हम भी फैन हैं उनके, देखा ही होगा आपने, अच्छे खासे फैन है वो। क्यों मैं अल्पेश यादव का फैन हूँ, इसका रीज़न ही बता देता हूँ आपको। इसका रीज़न ये कि यार वो बंदा ना अपनी तरह ही है और खुद मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा है और यू नो चीज़ों को धीरे धीरे जो है खुद एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ें धीरे धीरे खुद आगे आया है और अपनी मेहनत से आया है। सो इसलिए तो आज की वीडियो यही थी, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं था, बस बताना चाह रहा था कि यार जो कैमरे का प्लान है वो बना रहा हूँ। सो जल्दी जैसे ही प्लान बनता है आपको बताते हैं और अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।